स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग द थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। टॉपिक है एवरेज इनकम। व्हाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। देखिए, कल मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था आपसे, इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एवरेज इनकम हमको हेल्प तो करती है ये शो करने में कि किसी कंट्री में नॉर्मली एक पर्सन कितना कमा रहा है, बट मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि ये हो सकता है कि ये एवरेज इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। इट मींस दैट फॉर एग्जांपल 4% की इनकम कम हो लेकिन 5th पर्सन की इनकम बहुत ज़्यादा हो तो एवरेज इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सेम थिंग इट इज़ रिटन इन दिस टेबल 1.2, कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज़ ए एंड कंट्री बी। आप देखिए, कंट्री ए में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पर्सन राउंड अबाउट सिमिलर टाइप की अर्निंग कर रहे हैं, 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200। लेकिन कंट्री बी में शुरू के 4 लोग तो केवल 500 रुपये कमा रहे हैं, और बट द 5th पर्सन इज अर्निंग 48,000 रुपीज़। ओके, दोनों कंट्रीज़ का एवरेज इनकम सेम है, आप इसको प्लस करके निकाल सकते हैं। यदि इफ़ आई विल आस्क यू इन विच कंट्री डू यू वांट टू लिव, इन कंट्री ए और कंट्री बी, तो आप बताइए आपका आंसर क्या होगा। हम उस कंट्री में रहना चाहेंगे जहां पर एवरेज इनकम सभी लोगों की लगभग बराबर हो, तो वी विल प्रिफर टू लिव इन कंट्री ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1,000 रुपये का ही अंतर है हाईएस्ट और लोएस्ट अर्निंग पर्सन में, लेकिन कंट्री बी में आप तभी रहना पसंद करेंगे जब आप उस देश के 5वें पर्सन हों। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट डज़ नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम, इट डज नॉट टेल अस द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पीपल। इन्होंने एक कार्टून बनाया, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर। अब आप देखिए, एक ऐसी कंट्री जिसमें कोई रिच नहीं कोई पुअर नहीं, सब बराबर है, तो सब एक साथ रह रहे हैं। लेकिन दूसरे कार्टून में आप देखिए, कंट्री विथ रिच एंड पुअर, तो एक पर्सन ने क्या किया, 4 कुर्सियों कैप्चर करके रखा है। आप देखिए कार्टून में, ही इज़ हैविंग 4 चेयर्स और 2 चेयर में बाजू में 4 लोग बैठे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि दैट अ रिच पर्सन इज़ हैविंग अ मोर इनकम एंड हैविंग द मोर कवरेज और मोर राइट ओवर द रिसोर्सेज। ऑन द अदर हैंड, द पर्सन हु इज़ हैविंग द लो इनकम और द पुअर पीपल, दे हैड टू लिव द लाइफ इन अ वेरी हार्डशिप। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, लेट्स वर्क दिस आउट में, वाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, गिव 3 एग्जाम्पल्स वेयर एन एवरेज इज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। तो इस टाइप क्वेश्चन 3 मार्क में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनकम इन अदर क्राइटेरिया। एक कल मैंने डिस्कस किया था आपसे, इनकम अदर क्राइटेरिया में जो UNDP क्राइटेरिया यूज़ करता है, हेल्थ का, पर कैपिटा इनकम का और एजुकेशन का, तो उसके बेस पर ही आप सही कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन कंट्रीज एंड बिटवीन स्टेट्स। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है इंडियन स्टेट्स का किया गया है। आप टेबल देखिए, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,62,034 रुपीज़ है। ये कब का दिखा रहे हैं, ये 2015-16 का कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद केरला की 1,40,000 एंड सबसे कम किसकी है, बिहार की है, 31,000 रुपीज़। अब आप देखिए लिखा हुआ है, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। वी फाइंड ऑफ दैट हरियाणा हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज द इन द बॉटम।
दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा इज अर्निंग 1,62,034 rupees इन अ ईयर, और ऑन द अदर हैंड बिहार में कितना कमा रहा है एक पर्सन एवरेज 31,454 rupees। यदि आप पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करेंगे तो आप ये देख पाएंगे हरियाणा इज़ द मोस्ट डेवलप स्टेट। ओके, हरियाणा इज़ द मोस्ट डेवलप स्टेट इन द क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम। लेकिन आप नीचे वाली टेबल देखिए, इस नीचे वाली टेबल में देखिए अदर क्राइटेरिया भी दिए हुए हैं केरला हरियाणा और बिहार के। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट मीन्स पर 1,000 लाइव बर्थ्स। अब आप देखिए, कल मैंने बताया था आपको इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट के बारे में कि पर 1,000 जीवित बच्चों में से एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है। हरियाणा में 33 बच्चों की डेथ हो रही है, केरला में 10 और बिहार में 38। लिटरेसी रेट कंपेयर करिए आप, 82 हरियाणा, केरला 94, बिहार में 62। नेट अटेंडेंस रेशियो देखिए, 61 हरियाणा में, बिहार में 83, बिहार में 43 और केरला में 83। अब आप पर कैपिटा इनकम के अलावा इफ़ यू विल लुक एट अदर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम पर कैपिटा इनकम, यू विल फाइंड दैट केरला इज़ द मोस्ट डेवलप स्टेट बिकॉज इट इज़ हैविंग द हाइएस्ट लिटरेसी रेट, इट इज़ हैविंग द हाइएस्ट नेट अटेंडेंस रेशियो एंड इट इज़ हैविंग द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। और जबकि हरियाणा इन मामलों में पिछड़ जा रहा है, वहाँ पर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी केरला से कम है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी कम है, और बिहार तो लोएस्ट रैंक में है ही। तो सही पिक्चर हमको कब मिल रही है, जब हम पर कैपिटा इनकम के साथ अदर क्राइटेरिया को भी कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी बातों को UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी बताया है। अब आती है बात पब्लिक फैसिलिटीज़ की। अब आपको याद होगा कि क्लास 8 में भी ये टॉपिक दिया हुआ था, पब्लिक फैसिलिटी एक चैप्टर ही भी था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ आर फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, नल, पानी आता हमारे यहाँ पर, रोडवेज़ हैं, पार्क हैं, ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज़ है। डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दीज क्रूशल एरियाज। द रीज़न इज, देखिए रीज़न क्या है कि हरियाणा में पैसा ज़्यादा होने के बाद भी, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बाद भी हरियाणा हेल्थ में, लिटरेसी रेट में केरला से पिछड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मीन्स, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आप में जेब आपकी जेब में रखा हुआ पैसा आपके लिए सारी गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद सकता एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। सो इनकम बाय इट्सेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली यूअर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्ट्रेटेड मेडिसन्स अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। यानी कोरोना के समय में कितना सही एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। देखिए आप, कि आपके पास पैसा तो है लेकिन जब तक पूरी कम्युनिटी मिलकर प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेगी, जब तक सभी लोग घर के अंदर नहीं रहेंगे, तब तक आप कोरोना से नहीं बच सकते। एक दो चार लोग भी घर से बाहर निकल गए, कोई अदर भी लोग भी आपकी फैमिली के अलावा भी, तो कोरोना फैल सकता है। तो पैसा होने से ही आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप क्लास वर्क साइड में, इन्वर्टेड कॉमा में, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। आई एम रिपीटिंग इट, इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन लिखेंगे ये, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स, डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। तो आंसर ये पूरा लिखा हुआ है जो मैंने डिस्कस किया यहाँ, प्रिवेंटिव स्टेप्स तक आप आंसर लिखेंगे। क्लियर है?
जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आप क्लास वर्क में करेंगे बुक के अंदर वाले। आगे देखते हैं। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। मीन्स यदि हमको कोई चीज़ चाहिए है, इफ़ वी रिक्वायर एनी थिंग, तो यदि वो चीज़ हमें अकेले चाहिए तो वो हमको बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक कम्युनिटी को या बहुत सारे लोगों को चाहिए है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है।